एडिक्शन एक बहुत ही गंभीर इशू है जिससे कई लोग अपने एडिक्शंस के जरिए या फिर किसी अपने को उसके एडिक्शंस से बाहर निकालने की कोशिश के दौरान जूझते हैं। एडिक्शंस की चर्चा में लोग अक्सर एडिक्टिव पर्सनालिटीज के कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं जो लोगों को नशे के प्रभावों से पीड़ित होने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना सकता है। तो एडिक्शन के स्वभाव को अच्छे से समझने के लिए आपको एडिक्टिव पर्सनालिटीज के बारे में क्या जानना चाहिए? हेल्थलाइन के क्रिस्टल रे पोल और लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट और रजिस्टर्ड नर्स टिमोथी जे लेक के अनुसार एडिक्टिव पर्सनालिटीज के बारे में जो एक महत्वपूर्ण बात जाननी जरूरी है वो है ये कि वास्तव में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन इस विषय पर आगे बात करने से पहले बेस्टी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे रोजाना के वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रह सकें। हेल्थलाइन वेबसाइट के लिए लिखे एक आर्टिकल में क्रिस्टल रे पोल दावा करते हैं कि एडिक्टिव पर्सनालिटी का कॉन्सेप्ट दरअसल एक मिथ है। ये विचार शुद्ध कल्पना है कि कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में एडिक्शन से जो समस्या होती है वो कुछ विशेष पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एडिक्शन एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो मानसिक सेहत को प्रभावित करता है और किसी को भी हो सकता है, चाहे उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कुछ भी क्यों ना हो। हालांकि कुछ लोग बाकियों की तुलना में नशे के शिकार जल्दी बन जाते हैं, लेकिन इसका उनकी पर्सनालिटी से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ उनकी मानसिक सेहत और साइकोलॉजी में है। कुछ लोगों की पर्सनालिटीज की वजह से उन्हें नशे की लत लगती है, ये कहना उतना ही बेतुका है जितना ये कहना कि कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियां होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी हो, एडिक्टिव पर्सनालिटी का विचार एक ऐसी धारणा है जो कई लोगों के एडिक्शंस को विकसित करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आमतौर पर लोग सो कॉल्ड एडिक्टिव पर्सनालिटीज को बहुत सारे ट्रेट्स और बर्ताव से जोड़ देते हैं, जैसे जल्दीबाजी, स्वार्थ, आत्मसम्मान में कमी, बेईमानी और जिम्मेदारी स्वीकार करने में विफलता। एडिक्टिव पर्सनालिटीज वाले लोगों पर अक्सर ये ठप्पा लग जाता है कि वो सोशली आइसोलेटेड होते हैं, पर्सनल गोल्स या मोटिवेशंस में लैक करते हैं और उन्हें गुस्से पर नियंत्रण रखने में हमेशा तकलीफ होती है। लेकिन क्या केवल इन पर्सनालिटी ट्रेट्स के आधार पर आपको पता चल सकता है कि किसी को एडिक्टेड होने का ज्यादा खतरा है या नहीं? जवाब है नहीं। रे पोल के अनुसार ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताता है कि इन पर्सनालिटी ट्रेट्स और बिहेवियरल पैटर्न्स वाले लोगों की आने वाली जिंदगी में एडिक्टेड होने की संभावना ज्यादा है या कम। हालांकि बात को साफ करने के लिए वो ये जिक्र करती हैं कि बॉर्डरलाइन और एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसे कुछ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं और उन्हें संभावित तौर पर ज्यादा एडिक्टेड होने से जोड़ा जा सकता है। वैसे संबंध का एग्जैक्ट नेचर थोड़ा दुविधापूर्ण है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एडिक्शन से इंसान के दिमाग में बदलाव हो जाते हैं। ग्लोबल जर्नल ऑफ एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन मेडिसिन में 2017 में छपे एक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार ये बात साफ या पक्की नहीं है कि एडिक्शन से जुड़े ट्रेट्स एडिक्शन से पहले मौजूद थे या नहीं, या फिर ये ट्रेट्स एडिक्शन की वजह से ही विकसित हुए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। वेल, एडिक्टिव पर्सनालिटी का ये मिथ नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। हालांकि पहले ये विचार एक बहुत उपयोगी कॉन्सेप्ट लगता है कि किसी की पर्सनालिटी में खामियां निकाल देने से एडिक्शन की संभावना को पहचाना जा सकता है, लेकिन किसी लत के इर्द गिर्द के जटिल मुद्दों को आसान तरीके से बताने वाला ये अप्रोच मदद की बजाय नुकसान ज्यादा करता है। न केवल ये लोगों को विश्वास दिलाता है कि उनकी पर्सनालिटी में ये ट्रेट्स न होने की वजह से वो एडिक्शन से सुरक्षित है, वहीं ये एडिक्टिव लोगों को ये मानने से डिस्करेज करता है कि वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इस मिथ के अनुसार केवल नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स वाले लोग ही एडिक्टेड होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि लत किसी को भी लग सकती है। अब क्योंकि एडिक्टिव पर्सनालिटी का विचार एक मिथ है, तो वो सही फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से किसी को लत लगती है? रे पोल और अन्य एक्सपर्ट्स के अनुसार बहुत सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से किसी इंसान को लत लगने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में एडिक्शन के कंट्रीब्यूटर्स बचपन में ही शुरू हो सकते हैं। माता पिता का बच्चों पर ध्यान न देना या उनकी अपब्रिंगिंग में कोई योगदान न करने से उनका नशीले पदार्थों में इन्वॉल्व होने का खतरा बढ़ सकता है। कुछ अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे बचपन में किसी दूसरे को नशा करते हुए देखने से भी इंसान आगे जाकर वो पदार्थ ले सकता है
और अगर बचपन में स्कूल या पड़ोस में ऐसे पदार्थों से जान पहचान हो गई, तो नशे की लत का खतरा बहुत बढ़ सकता है। एडिक्शन में योगदान देने वाले अन्य फैक्टर्स प्राकृतिक होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज के अनुसार जब बात लत की हो तो इंसान के रिस्क लेवल का 40-60% उनके जीन्स से जुड़ा होता है। एडिक्शन की ओर पसंद नापसंद में इंसान की उम्र भी बड़ी भूमिका निभाती है। व्यसकों की तुलना में टीनेजर्स का झुकाव नशीले पदार्थों की तरफ ज्यादा होता है। अंत में मानसिक सेहत से जुड़े इश्यूज जैसे डिप्रेशन, एंग्जायटी, ओसीडी और अन्य पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स भी इंसान में ये लत विकसित करने में भूमिका निभा सकते हैं। इन मामलों में मानसिक सेहत खराब होना और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर दोनों ही होने को हम दोहरा डायग्नोसिस कहते हैं। 2014 के ड्रग यूज एंड हेल्थ के राष्ट्रीय सर्वे में अमेरिका के 3.3% व्यसक इस दोहरे डायग्नोसिस से जूझते पाए गए थे। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो शायद एडिक्शन से पीड़ित हों, तो आप कई तरीकों से उनकी मदद कर सकते हैं। पहले आप लत वाले नशीले पदार्थ और उसके दुरुपयोग की संभावनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करें। इससे आपको सही से पता चल जाएगा कि सामने वाला इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है और उनकी सेहत के लिए कौन सा इलाज उन्हें उपलब्ध हो सकता है। आपको उन्हें सहानुभूति दिखानी चाहिए और जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एडिक्शन से पहले से जुड़े स्टिग्मा में और योगदान देंगे, तो आप जिसकी मदद करना चाहते हैं, उसे मदद मांगने में और ज्यादा शर्म और हिचकिचाहट होगी। आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आप सामने वाले के ठीक होने और इलाज की प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहें। एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स अपनाएं और जब वो अपने इलाज के दौरान मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, तो उनके साथ वक्त बिताएं और उन्हें सहारा दें और सॉलिडैरिटी दिखाएं। अगर कोई ऐसा ना चाहे या सीधे सीधे आपकी मदद से इनकार कर दे, तो इसे दिल पर ना लें। उस वक्त आप उनके ख्याल बदलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। बेहतर होगा कि इस दौरान मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लें। एडिक्शन डरावना हो सकता है, खासकर जब हमें या हमारे किसी अपने को एडिक्शन का खतरा विकसित होने का बढ़ता खतरा हो, लेकिन इन फैक्ट्स के बारे में खुद को एजुकेट करके एडिक्शन से जुड़े फिक्शन को ठीक से समझकर और लत में योगदान देने वाली चीजों के खिलाफ तैयारी करके आप सावधान रह सकते हैं और इससे जुड़े स्टिग्मा को झूठा साबित कर सकते हैं। तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? क्या और भी कुछ है जो आप इस चर्चा में जोड़ना चाहें? अगर हाँ, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प या काम का लगे, तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।